गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. मैंने बैठने को कहा क्या? सॉरी सर. 5 इंटरव्यू लेटर्स भेजने के बाद आ जाए हो? सर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाया सर. फाइनली पहुँच ही गया. कहाँ से आए हो? भिंडी बाजार से सर. वहाँ भिंडी मिलती है? भिंडी भी मिलती है और शिंडी भी. तुम्हारा नाम? चिंतामणि. चिंता बहुत करते हो? मनी के लिए चिंता करता हूँ. क्वालिफिकेशन क्या है? मामा. ये कौन सी डिग्री है? अगर मैं कहता कि मैंने 2 बार एमए किया है तो शायद आप हंस देते. तो मैंने दोनों को मिलाकर मामा कह दिया. ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की. सर थैंक यू वेरी मच, बहुत आसानी से मिल गई सर. इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है. ठीक है. ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है. मान लो अगर आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? सर ये तो अपशगुन होगा सर. पहले दिन आग? शट अप. ये बताओ ऑफिस में आग लगने पर तुम क्या करोगे? वो ऑफिस में 2-2 फोन है सर. फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा और वो आकर आग को बुझा देंगे. समझ लो कि दोनों फोन खराब हैं. ओ तो क्या हुआ सर? ये देखिए यहाँ पर सेलफोन भी है ना, इससे फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा और वो आकर आग बुझा देंगे. इसका बिल नहीं भरा था इसलिए आउटगोइंग बंद है. ओ हाँ, अभी अभी ऑफिस के बाहर मैंने देखा था सर, वहां पर 3 लाल रंग की बाल्टियां टंगी हुई हैं और उसमें भूरा भूरा बालू भरा हुआ है. मैं उसे यहाँ पर लाकर यहाँ लगी आग को बुझा दूंगा. मान लो उन बाल्टियों में भूसा भरा है, तब क्या करोगे? भूसा? हाँ, यहाँ बाथरूम है ना सर, उसके नल में पानी आता होगा. मैं बाल्टी बाल्टी पानी लाऊंगा और उससे आग बुझा दूंगा. पानी का बिल नहीं भरा है, पानी नहीं आता है. अब बोलो. पानी नहीं आता है सर. लिफ्ट है ना. मैं लिफ्ट से नीचे जाऊंगा और बिजली का बिल नहीं भरा, लिफ्ट बंद है. आया था तब चल रही थी. फिर क्या करोगे? सर मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊंगा और सिक्योरिटी को बोलूंगा, वो पब्लिक फोन से फायर ब्रिगेड को बुलाएगा और वो आकर आग को बुझा देंगे. ये नहीं हो सकता. क्यों सर? सिक्योरिटी को सुनाई नहीं देता और 6 बजे के बाद तो उसे दिखाई भी नहीं देता. दिमाग की बत्ती बुझ गई. जल भी गई सर. सर मेरे सर्टिफिकेट देंगे? मुझे चलना चाहिए. क्या रे, बहुत बोलता है तू. फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, सेलफोन का बिल नहीं भरा, ऑफिस की बाल्टी टूटी हुई है, उसमें भूसा भरा हुआ है, बाथरूम में वाटर टैक्स नहीं भरा तो पानी नहीं है, बिजली का बिल नहीं भरा है, लिफ्ट चलती नहीं है, सिक्योरिटी वाला दिन में सुनता नहीं है और 6 बजे के बाद तो उसे दिखाई भी नहीं देता है ना. ये ऑफिस नहीं कचरा घर है. इससे अच्छा होगा कि इस ऑफिस में सचमुच की आग लग जाए. अब क्या करेगा? हाँ फायर फायर फायर, कोई पानी लो, बुझाओ आग, बुझाओ. अरे कोई लिफ्ट बुझाओ. अरे कोई फोन करो. बीड़ी जलाई ले टेबल से पिया, टेबल पर लगी आग है. क्या हुआ? अंदर से धुआं क्यों निकल रहा है? मेरी सुलगा रहा था, उसकी जल गई. यश ब्रेकफास्ट. तुम जाओ. कब है शादी? नहीं पापा. सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे प्यार से नाश्ता खिला रही हो, यहाँ मेरे सामने चुपचाप खड़ी हो, मुझे सब समझ में आता है. चलो बताओ कब है शादी? वो पापा. आमतौर पर बाप अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटता है, पर मैं पहला फादर हूँ जिसे उसकी बेटी ने शादी का कार्ड दिया होगा. ग्रेट. नहीं पापा, आपकी मंजूरी के बिना. मंजूरी चाहिए? भूल जाओ. अब तुम बड़ी हो गई हो ना, अपनी शादी का कार्ड छपवा कर पहले मुझे चैलेंज किया, अब मेरी बेइज्जती करवाओगी? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं. मेरी बेटी एक मामूली मैकेनिक से शादी करेगी और मैं ये होने दूंगा. हाँ अब देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ वो क्या करता है. ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी हरगिज नहीं. जय गोविंदा, जय गोपाला, 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 जय गोपाला.
देख अपुन को तेरी पूजा नहीं आती है। वो लक्ष्मी कहती है कि शादी से पहले मंदिर में जाना अच्छा होता है, इसके लिए जा गया। श्वेता अच्छी लड़की है, अपुन बहुत प्यार करता है, थोड़ा ध्यान रखना। ओम श्री गणेशाय नमः। नाम और गोत्र बोलिए। नाम तो राजा है, पर जब ये नहीं जानता कि नाम किसने रखा तो गोत्र क्या बताऊं। बस जिंदगी खुशहाल बीते ऐसे मंत्र पढ़ दीजिए। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु महाराज की है। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे बढ़िए। बॉस टकलू बोल रहा हूं, उठा लिया इसे। गेम बजा दू कि खाली फोड़ के छोड़ दो? हाँ मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, भीगी बिल्ली बन के खड़ा है साला, घूर रहा है मेरे को।
ए, उधर छुपा है। श्राद्ध करने चला था यमराज का, उसी की चिता सज गई, उसका ही सर्वनाश हो गया। ये हमारे लोग 500 के लिए भी मर्डर कर देते हैं। जरा वो देखो। ए, अपने लड़कों से बोल के उसका क्रियाकर्म कर दें और नहा धोकर शुद्ध होकर ड्यूटी ज्वाइन करें। तेरे को अपुन का बॉडी मांगता था ना, पासा पलट गया, देखना है। ए, देख लिया तूने? पहचान करके देख ले ये तेरे ही कुत्ते हैं या किसी और के हैं। गिनकर देख ले, पूरे हैं या कुछ कम रह गए। हे यमराज, अपनी औकात में रह, समझा क्या? किसी और के लफड़े की वजह से अपुन से पंगा मत ले। जहर बुझी छुरी हूं, खरांच भी लगी ना तो मर जाएगा, समझा क्या? नहीं, मैं फिर कहता हूं कि अपुन के बीच में कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये याद रखना, नहीं तो जान से जाएगा। तू बाज नहीं आएगा। ए, तू बोलता है अपुन करता है, ये तेरी बाजी थी और तू खुद पलट गया। अगर अपुन अपनी औकात पर उतर आया ना तो तेरे को और तेरे आदमियों को चुन चुन कर मारूंगा। और अगर एक बार डिसाइड कर लिया, काम तमाम होने तक अपुन दुश्मन की छाती पर डांस करता रहता है, तैयार है ना? ए, उतारो मुझे, उतारो।